वैसे तो गुजरात को ड्राई स्टेट कहा जाता है और गुजरात राज्य में शराब पीने या तो फिर शराब की बिक्री करने पर कानूनन कार्रवाई हो सकती है, मगर यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ अलग ही बयां करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वडोदरा पुलिस के दो पुलिस स्टेशन की ओर से जो शराब पकड़ी गई थी, जो अवैध शराब पकड़ी गई थी, उनको यहाँ पर नाश किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से जो वडोदरा पुलिस ने जो प्रोहिबिशन और शराब माफियाओं पर जो कार्रवाई की है, तो उनको लेकर यहाँ पर करीबन 85 लाख से ज़्यादा की कीमत की शराब को यहाँ पर उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये अलग चीज़ है कि कई बार सरकार को ये भी सुझाव दिए गए हैं कि जिस तरीके से ये शराब का जो नाश होता है, इसमें से ज़्यादातर जो शराब पकड़ी जाती है वो पड़ोसी राज्य से पकड़ी जाती है, जहाँ पर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र की शराब होती है। ऐसे में अगर उन्हीं स्टेट को अगर ये वापस दिया जाता है तो सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट हो सकती है। हालाँकि सरकार ने उनकी मांग है वो तो सिरे से खारिज कर दिए, मगर सबसे अहम बात यह है कि ये जो शराब जो का जो जत्था आप यहाँ पर देख रहे हैं वो करीबन एक साल के अंदर पकड़ा गया है, और एक साल के अंदर ये जो शराब पकड़ी जाती है तो इसमें ये सिर्फ महज दो पुलिस स्टेशन की है। अगर सारे पुलिस स्टेशन की बात करें और सारे गुजरात राज्य के पुलिस स्टेशन की बात करें तो इसमें करोड़ों का जो शराब है वो यहाँ पर पकड़ी जाती है। हम आपको ये जो दिखा रहे हैं कि ये जो है वो पूरा एक साल से ये जो पूरी शराब पकड़ी गई थी तो उनको यहाँ पर अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सबसे अहम बात ये है कि पाणी गेट और वाड़ी पुलिस स्टेशन के द्वारा जो शराब पकड़ी गई है उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये वडोदरा तहसील का एक चिखोदरा गाँव है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग या तो फिर पुलिस ने छापेमारी करके या तो फिर पेट्रोलिंग के दौरान जो शराब पकड़ी है तो उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये सबसे अहम बात ये है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो प्रशासन या प्रोहिबिशन और एक्साइज के जो आला अफसर हैं उनकी मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम होता है, उन पर ये जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है तो उस पर निगरानी रखने के लिए DCP करणराज, डॉक्टर करणराज वाघेला साहब भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ये क्या प्रोसेस होती है और ये कैसे चलता है? जो भी प्रोहिबिशन के केसेस हर पुलिस स्टेशन में किए जाते हैं, उस पुलिस प्रोहिबिशन का जो भी मुद्दा माल है, जो भी प्रोहिबिशन में जो भी इंग्लिश दारू जो हम सीज करते हैं वो सारी जो दारू उसका आज निकाल किया जा रहा है। प्रोहिबिशन का मुद्दा माल SDM और ये नशाबंदी डिपार्टमेंट उसके और पुलिस की हाजिरी में, तीन ऑफिसर्स की हाजिरी में इसका प्रॉपर पंचनामा करके आज ये पूरा जो पानी गेट और वाड़ी पुलिस स्टेशन का पिछले 2 साल का जो भी प्रोहिबिशन का मुद्दा माल था जो सीज किया गया था उसको आज डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कुल मिला के 33,000 बोटल्स और जिसकी कीमत अराउंड 88 लाख है उसका मुद्दा माल का आज निकाल कर रहा है। सर, ये जो पूरा जो माल जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है वो सर कितने समय में पकड़ा गया है? ये जनवरी 2018 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच में 18, 19, 20 पिछले 3 साल में जो भी मुद्दा माल मिला था, प्रोहिबिशन का सीज किया गया था उसका आज डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग। सर, क्या ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक साल में तो ज़्यादातर वक्त था वो तो लॉकडाउन के दौरान गुजरा, तो वहाँ पर भी ये जो शराब माफियाओं की मूवमेंट चालू रही थी? इस साल लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी कम प्रोहिबिशन के केसेस हमने किए हैं, बहुत कम मूवमेंट प्रोहिबिशन की हुई है और वडोदरा शहर पुलिस कॉन्स्टेंटली प्रोहिबिशन में जो भी इन्वॉल्व है उन सबके खिलाफ केसेस कर रही है और कॉन्स्टेंटली हम लोग अलग अलग जो भी बुटलेगर से उनके ऊपर रेड्स कर रहे हैं और CP सर की सूचना से जो भी बड़े केसेस में पकड़े जाते हैं उन लोगों के खिलाफ, बुटलेगर्स के खिलाफ हम लोग पासा और तड़ीपार की कार्यवाही भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि वडोदरा पुलिस के जो आला अफसर हैं उनका ये मानना है कि ये जो शराब का जो चकीरा है वो 3 साल का है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान शराब माफियाओं को उन पर नकेल कसने में पुलिस कहीं ना कहीं सफल हुई है। कैमरामैन सिद्धार्थ खेरे के साथ वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा, गुजरात।